हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक बाजार में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए सीधा वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के प्यारे शेयर यस बैंक के बारे में। जी हाँ, जिसमें कि हमें पिछले 2-3 दिन से काफ़ी तेजी दिखाई दे रही है। तो इस तेजी के पीछे 2 गेम चेंजिंग न्यूज सामने आई है। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि यस बैंक में आगे क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यस बैंक की तेजी के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यस बैंक में 12% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो वहीं पिछले 5 दिन की अगर बात करें तो उसमें 21% का रिटर्न हमें मिला हुआ है। उसमें भी पिछले 2 दिन से काफ़ी तेजी दिखाई दे रही है। ये जो 21% है वो पिछले 2 दिन का भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि आप चार्ट में भी साफ साफ देख सकते हो। तो यानी कि यस बैंक काफ़ी अच्छी तरीके से तेजी दिखा रहा है। तो इस तेजी के पीछे की आइए वजह जान लेते हैं। तो वजह ये है कि मार्केट में ऐसी न्यूज़ चल रही है कि जो प्राइवेट इक्विटी फंड है कार्लाइल एंड एडवर्ड इंटरनेशनल, वो यस बैंक में $1.115 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यानी कि यस बैंक में इस इन्वेस्टमेंट से यस बैंक को काफ़ी फंड मिलने वाला है। तो इस फंड रेजिंग के कारण, इस न्यूज़ के कारण हमें ये तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यस बैंक ने कहा कि कार्लाइल एंड एडवर्ड इंटरनेशनल यस बैंक में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो कि हमने बताया वैसे $1.115 बिलियन यानी कि 8,900 करोड़ का होने वाला है। यानी कि ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर ये हो जाएगा तो। एंड इसके बदले में अगर बात करें तो कार्लाइल ग्रुप एंड एडवेंट ग्रुप ये 10% स्टेक इसमें खरीदने वाले हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात होगी कि यस बैंक का स्टेक इन काफ़ी अच्छे ग्रुप के पास जाने वाला है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि यस बैंक में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड इनसे इन्वेस्टर्स इस यस बैंक में आगे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकेंगे। तो इसके चलते ये हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये रुपए जो मिलेंगे इससे यस बैंक को अपना बिजनेस रिकंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी हेल्प होने वाली है एंड ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इस न्यूज़ के कारण यस बैंक का काफ़ी बिजनेस चेंज होने वाला है, काफ़ी फ्यूचर चेंज होने वाला है एंड यस बैंक में सभी निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स अगर यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना पैसा डाल रहे हैं, तो उन्होंने यस बैंक में कुछ तो देखा होगा कि यस बैंक का बिजनेस आगे जाके अच्छा होने वाला है। तो अगर ऐसा उनको लग रहा है तो ये यस बैंक के लिए काफ़ी अच्छी बात है एंड इसके कारण सभी निवेशक भी इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। तो इसके कारण आने वाले टाइम में हमें और भी तेज़ी इसमें देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें कि ये अभी एक न्यूज़ ही है, अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है। तो एक रिस्क आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर ये न्यूज़ गलत हो जाती है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं होता जो कि आगे हो चुका है, तो ये शेयर जितना ऊपर गिरा है, ऊपर चढ़ा है, उतना ही तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। तो ये रिस्क ध्यान में रख के ही आप इसमें शॉर्ट टर्म में पोजीशन जरूर बना सकते हैं, लेकिन रिस्क हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इस न्यूज़ के चलते निवेश करना इतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ये एक न्यूज़ है, उसके चलते हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बिल्कुल नहीं जा सकते। तो ये बात आप ध्यान में रखें। एंड इसके अलावा हमने बताया कि 2 न्यूज़ यस बैंक के लिए आई है। तो दूसरी न्यूज़ की बात करें तो वो है आदित्य पुरी का यस बैंक के मैनेजमेंट में शामिल होना। जी हाँ, आदित्य पुरी जिनको तो आप जानते ही होंगे, जो कि इंडिया की 1 प्राइवेट बैंक HDFC बैंक को मैनेज कर रहे थे। उसके बाद वो HDFC बैंक में से तो रिटायर्ड हो चुके हैं, वहाँ से उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन अब बातें ये चल रही है कि यस बैंक में उसको मैनेजमेंट में शामिल किया जाएगा। तो यस आदित्य पुरी जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से HDFC बैंक को मैनेज कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छा उनको एक्सपीरियंस भी है, तो ये अगर यस बैंक के मैनेजमेंट में आते हैं तो यस बैंक के लिए ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी कि आने वाले टाइम में यस बैंक में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखा सकते हैं। हालांकि ये भी अभी एक न्यूज़ ही है, ये एक रिपोर्ट के अनुसार बात आई है, इसमें भी अभी कंफर्मेशन आना बाकी है।
दोस्तों, इस दोनों न्यूज के चलते हमें यस बैंक में काफी तेजी देखने को मिल रही है एंड जब तक ये न्यूज कंफर्म नहीं हो जाती तब तक और भी तेजी हमें इसमें देखने को जरूर मिलने वाली है। तो आई होप आपको यस बैंक के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो।